कमेटी बनाता है हमेशा ही, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। दिमाग देखिए कौन लेटा है भाई। तो दिस इज योर कमाऊनी होटेलियर एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आज तो मौसम ही बिल्कुल अजीब सा ही हो रहा है यार, बहुत अजीब सा मौसम है, नहीं है बिल्कुल भी। देखो लगता है बारिश होएगी आज भाई, बारिश होएगी बहुत, बारिश होएगी शायद आज। अच्छी बात क्या है बारिश में? फोन का हाँ टेम्पर चेंज कराना पड़ेगा, इसका टेम्पर थोड़ा ना ऊपर तक आ रहा है तो शायद इसलिए। तो भाई चलो यार चलते हैं, हम तो ड्यूटी है, मौसम से हमने क्या करना, हमने तो वैसे भी अंदर ही बैठना है आज, एसी का काम नहीं करेगा बस आज, ज़्यादा गर्मी सी तो नहीं हो रही है। इंडियन गैस सर्विस बहुत महंगी हो गई भाई, गैस बहुत ज़्यादा। गाड़ी नहीं चलाएगा आज, भूल गया शायद, मैंने तो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहला काम तेरा ये होता है कि यूट्यूब खोल दो गाने चला दो। पहले इधर जॉब करता था यार मैं, यदि वो सुबह सुबह चाय तो बहुत ही जरूरी है आज। आज प्रमोद भाई की तो नहीं है यहाँ पे, ऑफिस के पास में से ही कोई है दुकान, उससे पी रहे हैं। एक्चुअली सीन क्या है ना, ये लेट कराने लग रहा है आजकल, पता नहीं क्यों दीपक बहुत लेट करा दे रहा है, तो ना तो हम रूम पे चाय बना पा रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी में यहीं पे पीते हैं चाय, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं ऑफिस के टाइम में, बस उसके बाद ऑफिस जाना है चाय पी के फटाफट। आज मौसम ना सच में बहुत ठंडा हो रहा है, मैं ना ऑफ ही कर देता हूँ एसी। लोग स्नैपचैट पे मेरे को फोटो भेज भेज के भेज रहे हैं, कूल वेदर कूल वेदर कूल वेदर, ठंड हो गया सच में, लग रहा है बारिश पड़ेगी यार, सब गायब हो गए, अकेले बैठा हूँ। आज सच में बारिश पड़ने वाली है और बारिश जरूरी भी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर यार। चलो एनीवे मैम आपका नाम सूजी है ना, इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, सूजी हो ना दीपक, सूजी क्या है, क्या होता है इसका गलत देखा क्या होता है सूजी का मतलब, इंग्लिश में सेमोली ना बोलते हैं, तो इनका नाम सेमोली ना है। मैनर भाई ना ऑफिस का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, देखो लस्सी बना के लाए हैं सबके लिए, सबको लस्सी पिलाई है सबको। दिमाग देखिए कौन लेटा है, बॉस का कॉपीराइट लग जाएगा वरना। ओ भाई इस भाई की चल रही है पार्टी, हाँ अभी तो शुरू भी नहीं हुई रात, ढूंढ के गिर पड़े लोग। भाई दीपक कैसे गिर रहा है, निकल पड़े ड्यूटी से यार, देखो शाम भी नहीं हुई अभी तो अच्छे से, और शराब ही शराब पी के ढोल मतलब लेटा हुआ है रोड के साइड में। कैसी है यार ये शराब दीपक, कैसी है ये शराब, लोगों को अपना ही होश नहीं रहता यार, बहुत बेकार चीज़ है भाई, मत पियो बिल्कुल। देख रहे हो लेटा हुआ है रोड के साइड में, कोई मतलब नहीं है जिंदगी का, गाड़ी चढ़ा दे कुछ कर दे कोई दिक्कत। तो भाई यार आज निकल गए ड्यूटी से अभी, और जीना ने इनवाइट किया हुआ है चिकन के लिए, इससे तो मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि भाई चिकन बना दे रूम पे चिकन बना दे, ये तो बना नहीं रहा। तो जीना के वहाँ कल गया था, उन्होंने बोला चलो कल मैं चिकन बना रहा हूँ, आप आओ और चिकन खाना, ठीक है चलो चलते हैं उसके वहाँ पे चिकन खा के आते हैं बढ़िया। और अभी तो पहले रूम पे जा रहा हूँ, रोड का सबसे बुरा हाल यही है इस टाइम पे ऑफिस की छुट्टी के टाइम पे ना, गंदा ही जाम मिलता है, मतलब मुश्किल हो जाता है आना भी। जीना का इनविटेशन था, देखो राम जी तो पनीर खा रहे हैं और हमने बनाया चिकन, चिकन खाने स्पेशली मैं आया था, उसने बुलाया मुझे चिकन खा ले, क्या बनाता है अल्टीमेट ही बनाता है हमेशा ही, उसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है।
चलो भाई निकल पड़े रूम को अपने, पुरानी गली अपनी है, पुराना EWS, खा लिया चिकन और रूम पे जाते हैं। की चीज़ सही बनाता दीपक, वो है चाय, चाय विद लेस। तो भाई जीना का चिकन खा के आप बढ़िया सा अच्छा चिकन बनाता है वो, दीपक भी अच्छा बनाता है खाना, लेकिन चिकन उतना बढ़िया नहीं बना पाता उसके। तो यार जब EWS जाता हूँ ना मैं, बड़ा अपना अपना सा फीलिंग आती है, क्योंकि 3-4 साल हम लोग वहाँ पर रहे, तो जब भी वहाँ पर जाता हूँ तो एक अपना अपना पन सा लगता है। एनीवे चलो चाय पी लेते हैं और चलते हैं। यार सोच रहे हैं दीपक चलते हैं यार ट्यूसडे कहीं घूमने चलते हैं, करोल बाग चलते हैं, जूता भी खरीद के ले गए। बड़ा ही तूफान आ गया आप तो, हो गया है।